हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अभी एल्गोरिथम के कंट्रोल स्ट्रक्चर को प्रीवियस दो लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जो हमने बताया था शुरू में आपको कि तीन तरह के लॉजिक यूज़ होते हैं, एक हो गया आपका सिक्वेंशियल लॉजिक और एक दूसरा है सिलेक्शन लॉजिक और तीसरा इटरेशन लॉजिक। तो देखिए, सिक्वेंस लॉजिक और सिलेक्शन लॉजिक तो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग बात करते हैं इटरेशन लॉजिक की। तो नाउ फर्स्ट वी राइट इटरेशन लॉजिक, जिसको रिपीटेटिव फ्लो भी कहते हैं। तो फर्स्ट वी राइट हियर इटरेशन लॉजिक, इट इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेटिव फ्लो। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ लॉजिक, refers to either of two types of structure involving loops. Each type begins with a repeat statement and is followed by a module called the body of the loop. ठीक है, तो इसमें हर टाइप जो है वो शुरू होता है एक रिपीट स्टेटमेंट से, और उसके रिपीट स्टेटमेंट के बाद एक मॉड्यूल आता है जो कहलाता है बॉडी ऑफ द लूप। इसमें क्लैरिटी के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी लूप एंड होगा तो हम उसमें स्टेटमेंट दे देंगे एंड ऑफ लूप, या और कोई इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हम दे सकते हैं। ईच टाइप ऑफ लूप स्ट्रक्चर विल बी डिस्कस्ड सेपरेटली। तो जैसे रिपीट फॉर स्ट्रक्चर हो गया, रिपीट व्हाइल स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम लोग अलग अलग डिस्कस करते हैं। अब मान लीजिए से दो हम दो स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, एक हो गया आपका रिपीट फॉर स्ट्रक्चर, रिपीट फॉर स्ट्रक्चर, और दूसरा है रिपीट व्हाइल स्ट्रक्चर, व्हाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब इसमें हम पहले बात करते हैं रिपीट फॉर स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो देखिए रिपीट फॉर स्ट्रक्चर में क्या होता है, रिपीट फॉर स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि द रिपीट फॉर लूप यूजेज एन इंडेक्स वेरिएबल, फॉर एग्जांपल के, टू कंट्रोल द लूप। द लूप विल यूजली हैव द फॉर्म, अब देखिए मान लीजिए हम फॉर लूप यूज करेंगे तो उसमें जो फॉर्म आएगी, जैसे हमने लिखा मान लीजिए रिपीट फॉर के, के क्या है, के हमारा इंडेक्स वेरिएबल है, फॉर के इक्वल टू आर टू एस बाई टी। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बॉडी ऑफ द लूप यानी मॉड्यूल दे दिया, जो भी मॉड्यूल रिपीट करना है ये हमने दे दिया मॉड्यूल। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि लूप एंड हो गया, एंड ऑफ लूप, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इसका अगर हम लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो, अगर या फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वो किस तरह ड्रा होगा वो आप देख लीजिए। पहले हमने क्या किया, से सपोज़ कीजिए यहाँ से प्रोग्राम का कंट्रोल आया, उसके बाद सबसे पहले हमने के में आर की वैल्यू असाइन कर दी, तो के में हमने क्या असाइन कर दिया, आर। अब हमने उसके बाद चेक किया कि और कहाँ तक जाना है, ये एस तक। तो पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि के की वैल्यू एस से छोटी है कि बड़ी है, तो यहाँ हमने चेक किया इज़ के इज़ ग्रेटर देन एस। ठीक है, अब यहाँ से दो ब्रांचेज जैसे हम लोग करते आए हैं, मान लीजिए अगर यस है तो हमें कुछ करना नहीं है, और मान लीजिए हमने कहा नो है तो नो में हमें क्या करना होगा कि जो मॉड्यूल हमने दिया है या जो बॉडी ऑफ द लूप है वो हमें एग्जीक्यूट करनी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मॉड्यूल, या उसी को हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ लूप, हमने लिख दिया बॉडी ऑफ लूप। ठीक है, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हमने क्या किया कि इसको कैसे बढ़ाना है, बाई टी। तो अब हमने क्या किया, के में टी इंक्रीमेंट कर दिया, यानी के प्लस टी को अब हमने के में डाल दिया। ठीक है, और जो नई वैल्यू के की आएगी उसको फिर हम चेक करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे, कि अब के एस से बड़ा है कि नहीं। जब तक एस हो जाएगा, जब जैसे ही के एस से इंक्रीज करेगा
तो प्रोग्राम का कंट्रोल इस स्ट्रक्चर से निकल के फिर आगे चला जाएगा। तो ये हो गया आपका रिपीट फॉर स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि इसमें आर जो है, आर क्या कहलाता है, आर कहलाता है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। एस कहलाता है एंड वैल्यू, या एंड वैल्यू भी बोलते हैं इसको, या टेस्ट वैल्यू भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंड वैल्यू और टेस्ट वैल्यू। और टी क्या है, टी है इंक्रीमेंट, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट। अब इसमें क्या होता है कि देखिए, बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट विथ के इक्वल टू आर, देन के इज इंक्रीज आर प्लस टी, देन विथ के इज इक्वल टू आर प्लस टू टी, देन आर प्लस थ्री टी एंड सो ऑन। द साइक्लिंग एंड्स व्हेन के इज ग्रेटर देन एस। तो द फ्लो चार्ट अज्यूम दैट द इंक्रीमेंट टी इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने ये फ्लो चार्ट जो बनाया है, इसमें ये अज्यूम करके बनाया है कि टी पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए टी निगेटिव होता है, सो दैट के डिक्रीजेज इन वैल्यू, देन द साइक्लिंग एंड्स व्हेन के इज लेस देन एस। तो मान लीजिए यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट बना है, ये बना है टी इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, कि के की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर मान लीजिए हम टी इज लेस देन जीरो लेंगे, सपोज कीजिए हम ये लेते हैं कि इफ टी इज लेस देन जीरो मतलब निगेटिव है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये के इज ग्रेटर देन, ये वाली जो कंडीशन है टेस्ट कंडीशन, वो ये हो जाएगी के इज ग्रेटर देन एस की बजाय ये हो जाएगा के इज लेस देन एस। ठीक है, बाकी आपका सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सो ये हो गया आपका रिपीट फॉर स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट पे आप आ जाइए, नेक्स्ट वाला है हमारा क्या, रिपीट व्हाइल स्ट्रक्चर। तो अब देखिए रिपीट व्हाइल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये हमने लिखा रिपीट व्हाइल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा रिपीट व्हाइल स्ट्रक्चर में, कि सिंपली हम कैसे लिखेंगे इसका एल्गोरिथम, ऐसे हम लिखेंगे रिपीट व्हाइल और फिर यहाँ पर हम क्या देंगे, कंडीशन। ठीक, और कंडीशन देने के बाद यहाँ हम देंगे बॉडी ऑफ द लूप या जिसको हम मॉड्यूल कह रहे हैं, उसके बाद एंड कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे एंड ऑफ लूप, ये हो जाएगा। अब इसका अगर हम फ्लो चार्ट बनाना चाहें तो इसका फ्लो चार्ट देखिए, अगर हम बनाते हैं तो वो आपका से ये प्रोग्राम का कंट्रोल आ गया, उसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, अब कंडीशन अगर ट्रू है या यस है तो हम क्या करेंगे, हम मॉड्यूल दे देंगे, यानी मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया मॉड्यूल, या उसी को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ लूप, ये एग्जीक्यूट होगा। और ये तब तक एग्जीक्यूट रहेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे दे देंगे। ठीक, और जैसे ही फॉल्स होगी, जब ये नो हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर प्रोग्राम का कंट्रोल आगे चला जाएगा। तो इसका जो फ्लो चार्ट है वो इस तरह बनेगा रिपीट व्हाइल स्ट्रक्चर के लिए। अब इसमें देखिए क्या होता है कि ऑब्जर्व दैट द साइक्लिंग कंटिन्यूज अनटिल द कंडीशन इज फॉल्स। तो ये जो रिपीटिशन हो रहा है ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, और जैसे ही फॉल्स हो जाती है मतलब नो, प्रोग्राम का कंट्रोल फिर आगे चला जाता है। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि वी एम्फसाइज दैट देयर मस्ट बी ए स्टेटमेंट बिफोर द स्ट्रक्चर दैट इनिशलाइजेज द कंडीशन कंट्रोलिंग द लूप, एंड इन ऑर्डर टू दैट द लूप मे इवेंचुअली सीज, देयर मस्ट बी ए स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ द लूप दैट चेंजेस द कंडीशन। अब इसके बाद क्या होगा कि अभी जो एल्गोरिथम हमने आपका गो टू वाले स्टेटमेंट बनाया था, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एल्गोरिथम बनाया था, उसको हम जिसमें हम लार्जेस्ट एलिमेंट की लोकेशन और उसकी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल रहे थे, उसी एल्गोरिथम को देखिए अगर हम इस स्ट्रक्चर से व्हाइल स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो वो एल्गोरिथम आप इस तरह आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, उसको आप कैसे लिख सकते हैं वो भी आप
देख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ एल्गोरिथम को, ठीक है। सेम एल्गोरिथम कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म। पहले आपने यहाँ पे लिखिया एल्गोरिथम, ठीक है। अब एल्गोरिथम का जो भी नंबर डालना चाहें आप, मान लीजिए मैंने कहा 1.2, तो मान लीजिए चैप्टर वन की सेकेंड एल्गोरिथम हो गई, ठीक। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन में आप लिखिए, ऑब्जेक्टिव लिखिए एल्गोरिथम का, तो हमने लिखा लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे, एलिमेंट इन एरे, ठीक है। अब इसमें चीज़ें लिखिए कि क्या क्या चीज़ दी हुई है और हमें क्या निकालना है। तो हमने लिखा कि गिवेन ए नॉन एम्प्टी एरे, नॉन एम्प्टी एरे, और उसका नाम क्या है, डाटा, ठीक है। विद एन न्यूमेरिकल वैल्यू, विद एन न्यूमेरिकल वैल्यूज। अब इसके बाद हमने लिखा दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द लोकेशन, द लोकेशन LOC, इस वेरिएबल में हम लोकेशन निकालेंगे, एंड द मैक्स वैल्यू, मैक्स, ठीक है, ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ डाटा। डाटा क्या है, एरे का नाम है जिसमें वैल्यूज स्टोर हैं। अब इसको हम 1 2 3 4 5 6 करके, चाहे स्टेप वन लिखिए चाहे हम डायरेक्टली 1 2 3 डाल दे रहे हैं। तो देखिए, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम इनिशलाइज करेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया इनिशलाइज, क्या इनिशलाइज करना है, हमने लिखा सेट के इज इक्वल टू 1, LOC इज इक्वल टू 1, एंड मैक्स इज इक्वल टू, एंड मैक्स इज इक्वल टू, मैक्सिमम डाटा 1 की वैल्यू डाल देंगे पहले डाटा की। तो ये हमने लिख दिया डाटा और 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर, अब स्टेप टू में आ जाइए। स्टेप टू में हमने क्या लिखा, रिपीट स्टेप 3 एंड 4। तो यहाँ हमने लिखा रिपीट स्टेप 3 एंड 4 वाइल के इज लेस देन, वाइल के इज लेस देन इक्वल टू एन। जब तक एन या एन से छोटा है तब तक आप स्टेप 3 और 4 करते रहिए। अब स्टेप 3 में क्या है, हमने चेक किया इफ़ मैक्स इज़ लेस देन डाटा के, इज़ लेस देन डेटा के, अगर मैक्स की वैल्यू छोटी है तो हमें क्या करना होगा, देन सेट LOC इक्वल टू के एंड मैक्स इक्वल टू डाटा के, ये आ जाएगा। और यहाँ पे फिर हम लिख देंगे एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। तो ये हमने लिख दिया एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप में हमें क्या करना है कि के को बढ़ा देना है, तो सेट के इक्वल टू, के को इंक्रीमेंट कर देंगे तो K+1। और ये 3 और 4 स्टेप जो है तब तक चलता रहेगा जब तक कि के की वैल्यू एन या एन से छोटी है, ठीक। फिर हमने कहा कि एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंड ऑफ स्टेप 2 में जो हमने लूप बताया था उसका, उसको एंड कर दिया यहाँ पे हमने, ठीक। फिर फिफ्थ में हमने क्या किया, राइट जो भी रिजल्ट आया है, तो राइट हमने कर दिया LOC और मैक्स, ये हमारा आउटपुट मिल गया, रिजल्ट मिल गया। और छठे लाइन में हम एल्गोरिथम से बाहर आ गए एग्जिट करके। तो देखिए, सेम एल्गोरिथम हमने गो टू स्ट्रक्चर यूज़ करके पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था, वो उस तरह बन सकता है। और अगर आप यहाँ पे इटरेशन लॉजिक यूज़ करेंगे व्हाइल स्ट्रक्चर को यूज़ करके, तो सेम एल्गोरिथम
आप इस तरह बना सकते हैं। इसी एल्गोरिथम को आप फॉर स्ट्रक्चर यूज़ करके भी बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज एल्गोरिथम में क्या निकल के आ रही है कि एक तो हमने जो स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री की जगह हमने 1 2 3 लिख दिया है, पहली चीज़। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो एंड ऑफ लूप स्टेटमेंट और एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, ये हमने मेंशन किया हुआ है जस्ट टू इंडिकेट कि यहाँ पे लूप शुरू हो रहा है, यहाँ पे लूप ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे इफ स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है, यहाँ पे इफ स्ट्रक्चर ख़त्म हो रहा है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और एंड दिस कन्फर्म्स द यूजुअल फॉर्मेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है एल्गोरिथम लिखने में तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।